हेलो, नमस्ते, वेलकम दोस्तों। जहाँ हमने स्टॉप किया था वहीं से हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक बार चेक कर लेते हैं। आराम से अरे ये कौन सा रास्ता है? अच्छा, ये वही बंदा है जिससे हमने बात करी थी। ये हमने दरवाजा खोल दिया। कौन है, कौन है? अरे から来てしまったのか。もったいないやつだの。いや、まあよい。わしにクソ玉をくれたら、良いものをやるぞい。इसे डंग बॉल चाहिए। अब हमारे पास है नहीं, कहाँ से लाके देंगे इसे? चलो, एटलीस्ट हमारा शॉर्टकट तो बना दिया हमने। ये काफी भुलभुलैया है। यहाँ भी लोग हैं, यहाँ भी लोग हैं। हम यहाँ से शुरू करते हैं। दो लोगों के साथ स्पेयर सबसे अच्छा है। और दोनों हैवी आर्मर है। अरे यार, वो गिरता है तो चलो, एक तो गया। तो ये लोग मरते नहीं है, इनके अंदर जो भी परचेज किया हुआ है वो पूरा हट जाता है। ये क्रिस्टल ही हमने तोड़ दिया। हो सकता है वो लोग ठीक हो गए होंगे। गोल्ड नहीं छूटना चाहिए हमारा। यहाँ पे जो लोग थे पोजेस किए हुए वो शायद ठीक हो गए। ये पोर्शन तो पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम ऊपर जाते हैं।
ये क्रिस्टल यहाँ पे है, अगर क्रिस्टल तोड़ दिया तो ये लोगों से लड़ना नहीं पड़ेगा हमें। ये सेम कलर है, पर्पल अपना फेवरेट। ये स्किल बहुत मस्त है, रेड डीमन आर्मर मिला हमें। ये 63 लेवल है। यहाँ पे क्या छुपा के रखा है? तो वो वाला पोर्शन पूरा छूट गया हमारा, गलती कर दी हमने यहाँ के। सॉरी दोस्तों, एरिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कहाँ अटक गए? अपना स्टेमिना घुमा दे तो हमें आसानी हो जाए। ये तो आसान है, हैवी आर्मर से ही डर लगता है अपने। वो भी डर नहीं, लेकिन थोड़ा सेफ रहना सही है, नहीं तो पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। यहाँ तक पहुँचे हैं। एक तो होंडा ताकाकासु, क्या नाम था उसका, उसने काफ़ी दुखी कर दिया। ये फिर से सिंगू की मेडिसिन। तो ये रहा क्रिस्टल, तो इसमें से काफ़ी स्पिरिट स्टोन मिल रहे हैं हमें। काफ़ी उतावला हो रहा है। अच्छा, ये वही रास्ता था जो हम आए थे। अच्छा, क्रिस्टल हमने तोड़ दिया इसलिए सब गायब हो गए। यहाँ ऊपर एक बार चेक कर लेते हैं। तो फिर वहाँ क्या छूट रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है रास्ता, लेकिन मज़ा आ रहा है। सीढ़ी कहाँ पे थी? यहाँ पे।
अच्छा ये वही जगह पे, कितने रास्ते हैं यहाँ पे? देख लेते एक बार, ये वाला सही है। अच्छा अरे रुक तो जा, ये ले अपना कैबिना, तूने खो दिया, अब मरेगा तू। अब तो इनसे डर ही नहीं लगता है। अबे इसे समझ में नहीं आ रहा है, सुनने में नहीं आ रहा है। एक्टिव नहीं है लोग। तो यहाँ पे कूड़ा वहाँ छुप के बैठा है। अच्छा चलो ये बढ़िया काम हो गया, या श्राइन मिल गया हमें। एक काम करते हैं, हम स्पिरिट चेंज कर लेते हैं और लेवल भी बढ़ा सकते हैं। अभी ये देखते हैं स्पिरिट। अभी मौका मिलेगा तो हम इसे यूज़ करके देखेंगे। खरगोश, अच्छा ये तो शायद वही लड़की है प्यारी। नहीं प्यारी नहीं है ये, अभी डेंजर है। अरे हमें कुछ आ गई, हाँ इसके लिए। अरे मार विलियम, अरे कैसे मारती है ये? क्या कर रही है? आप ठीक है? अब तक हेल्थ बढ़ा लेते। अरे क्या फेंक रही है? कहाँ से कहाँ जा रही है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अब देखो हेल्थ भी बढ़ाने नहीं दी इसने। कोई बात नहीं, फिर कोशिश करते हैं। ये मिशन के बॉस सब तेज ही है, कोई हाथ में ही नहीं आ रहा है हमारे।
अच्छा इसे हम स्लो कर सकते हैं। अरे रुक जा, हमें हमारी चीजें तो लेने दे। बहुत उछल रही है। पूरा स्टेमिना इसने भगा हटा दिया। कुछ भी करो इसकी। स्टेमिना कम है। ये कुछ जादू तो ना कर रही है। अरे कहां से कहां चली जाती है। अरे अरे विलियम मार दे जल्दी, मौका मिला है। सही हो रहा है अभी। बस इसके अबे एक जगह पे रुक जा। आस हो बहुत तेज है ये। एक जगह पे टिकती ही नहीं है ये। अरे भाई कंट्रोल कर। विलियम भी भाग गया। Why, hello there. Where is Sosha? This spirit is a remarkable servant. जितना तड़पा रहा है उतना तड़पाएंगे तुझे भी हम। すでに目的は果たした。知らせが、蜜蝋めが挙兵いたした。अब हमारी मुलाकात होगी मिसुनारी।
तो दोस्तों ये मिशन भी हमारा कंप्लीट हुआ, पर हमें कुछ रिवॉर्ड मिले उतने खास नहीं है। और कुछ ट्वाइलाइट मिशन अनलॉक हुआ है और एक और दो सब मिशन ओपन हुए हैं। अच्छा, लास्ट एपिसोड में हमने कुछ बात करी थी, मतलब इसके पहले और एक एपिसोड हमने जो अपलोड किया था उसमें, तो यहाँ पे हमारे स्किल पॉइंट है। जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है हमें स्किल पॉइंट मिलती है, तो हमने काफ़ी सारी स्किल लर्न की है और काफ़ी यूज़ भी कर रहे हैं, जो सही हमें काम में आती है वो। और अभी हमें स्वॉर्ड में हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, तो उसी में ये मोस्टली ली हुई है। और यहाँ पे कुछ ली है, ये कॉमन है, ये सब में जो कॉमन है वो दिख रही है, और स्पीयर में ली है अभी फ़िलहाल, जो ज़रूरी है सिर्फ वही ली है। और ये है निंजा रिलेटेड पूरी स्किल पॉइंट। निंजा अभी तो हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन बाद में निंजा बिल्ड बनाएंगे उसमें हमें ये काफ़ी काम में आने वाली है, तब हम कोशिश करेंगे ये पूरी। और ये है मैजिक, मैजिक में हम काफ़ी सारी, एक तो ये है वीकनेस स्लॉथ जो एनिमी को स्लो करता है, और ये वीकनेस है, ये वीकनेस एनिमी, पता नहीं वीकनेस उतना होता है या नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने यूज़ किया लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी यूज़ करते हैं, हो सकता है कुछ फ़ायदा हो जाए, और होता होगा शायद, हमें पता नहीं हो, थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता ही है। और बाकी तो टैलिस्मैन है जो ऑलरेडी हमें मिलते हैं तो यूज़ नहीं करते हैं, वाटर का मैंने सेट करके रखा है, तो वाटर का कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। बाकी जनरल स्किल है, जनरल स्किल है, उतनी मतलब ज़रूरी नहीं है, सब यूज़ करना तो पॉसिबल नहीं है, उतने पॉइंट भी नहीं मिलेंगे। तो ये है, ये चीज़ लास्ट एपिसोड में बताया नहीं था मैंने। और ये तो हमारे प्रेस्टीज पॉइंट है, यहाँ पे देखो एक मिला है, तो हम ये रिसीव एलिमेंटल अटैक डैमेज ये लेते अभी। और यहाँ पे हमने दो मिले, एक तो आइटम ड्रॉप रेट और निंजा सुपावर। और ये सब एमरिटा है, ये तो आपको शायद पता ही है, इसमें खास नहीं है कुछ, ये एनिमी के जितने भी एनिमी हमने मारे हैं अभी तक ये हमें दिखे हैं उसके बारे में ये पूरी डिटेल आती है। जैसे जैसे और 10 ये मारेंगे मर्डमैन तो और एक नई डिटेल ओपन होगी, ये सब चीज़ें इसमें आती है। और कैरेक्टर हिस्ट्री, नए कैरेक्टर अगर कोई है या उसके रिलेटेड कुछ भी नया ही आता है, जैसे हेंजो अथोड़ी, तो उसके रिलेटेड अभी ये नया आया। वैसे भी ओकात्सु का भी होना चाहिए क्योंकि लास्ट मिशन में ये भी थी, अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा है। ये देखो इसमें आया गिनचियो, ये हो सकता है पुराना है, मैंने देखा नहीं होगा। और ये पूरे ये जो कटसीन आते हैं सिनेमेटिक वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो दोस्तों बस यही है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।